हेलो डियर फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टैग मेथ पर तो कल हमने एक्सरसाइज टू स्टार्ट कर दी थी और उसके जितने भी कंसेप्ट थे जो टू पॉइंट वन से पहले जितनी भी उसकी थ्योरी थी कंसेप्ट थे वो सारे हमने कल क्लियर कर लिए थे तो कल हमने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं नई भी पढ़ी जो एकदम न्यू थी और कुछ जो डेफिनेशन थी वो हम कच्चा एट में पढ़ चुके थे तो सबसे पहले जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें और जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारे YouTube चैनल आ रहा टैक में तो को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि कल मैंने देखा किसी भी विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया और ना ही कोई पॉजिटिव कमेंट थी कि आप लोगों को कितना समझ में आया है कुछ चीज़ें समझ में आई हैं या फिर भी कोई डाउट है तो इसलिए कमेंट ज़रूर करके बताएं जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर दें तो कल हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसके अंदर हमने कल प्राकृतिक जो प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर उसके बारे में पढ़ा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या परमय संख्या अपरमय संख्या वास्तविक संख्या और समिश्र संख्या इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ा था कल तथा साथ ही साथ हमने जो परमे संख्याएं हैं उनको दशमलव में बदलना और जो दशमलव संख्या है उसको परमे संख्या में बदलना भी सीखा था तथा जो दशमलव प्रसार है उसके लिए हमने तीन अलग अलग परिभाषाएं और पढ़ी थी कि दशमलव प्रसार जो हमारा है वो किस आवृत्ति का है यानी शांत आवृत्ति का है अशांत आवृत्ति का है या अशांत अनावृत्ति का है तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी तो इसके बाद इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं एक चीज़ और मैं थोड़ी सी परमे और अपरमे की एक कंडीशन और बता देता हूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए तो परमे और अपरमे की कंडीशन ये है कि कोई भी संख्या अगर परमे है तो उसका जो वर्गमूल होगा वो पूर्ण वर्गमूल होगा क्या होगा पूर्ण वर्गमूल यानी कि अंडरवुड के अंदर कोई संख्या है मालो ट्वेंटी फाइव तो इसका अगर हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं तो इसका वर्गमूल कितना आएगा फाइव तो ये फाइव यानी जो अंडर है वो हमारी संख्या कैसी होगी ये वाली अंडर रूट ट्वेंटी फाइव परमें संख्या होगी कैसी संख्या होगी परमे संख्या यानी कि अंडरूड के अंदर कोई भी संख्या जो जो है वो अगर पूर्ण वर्ग है वर्गमूल उसका हम निकाल सकते हैं तो, तो वो परमे संख्या होगी और अगर अंडरुड के अंदर एक ऐसी संख्या है जिसका हम वर्गमूल क्या तो नहीं कर सकते यानी उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो वो क्या होगी अपर संख्या होगी कैसी संख्या होगी अपर तो ये दो कंडीशन है जिनको तुम याद रखना क्योंकि इनका हम प्रयोग बार बार भी करेंगे तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट वन के जिसमें बताया गया पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएँ है, परमे हैं और कौन कौन सी संख्याएँ है, अपर हैं तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात करें जिसके अंदर लिखा है अंडर तेईस तो अगर हम अंडर उड तेईस तेईस का अगर हम वर्गमूल निकालें तो तेईस का पूर्ण वर्ग नहीं होता है यानी उसका वर्गमूल पूर्णतः हमें प्राप्त नहीं हुआ तो अभी मैंने कंडीशन बताई थी कि जिसका पूर्णतः वर्गमूल प्राप्त ना हो वो कई संख्या होगी अपर में और जिसका हमें पूर्णतः वर्गमूल प्राप्त हो जाए यानी जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि से या किसी अन्य विधि से तो हम उसको पर में कहेंगे तो यहाँ पर अनरूढ़ तेईस है इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं इसलिए हमारी कैसी हो जाएगी अपर में संख्या हो जाएगी तो सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी में साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को नोट करते जाएँ दूसरा क्वेश्चन है अनरूढ़ के 225 क्या ये परमे संख्या है या परमे संख्या तो 225 है तो 225 इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं तो 225 का वर्गमूल आसानी से निकाल लेना गुड़नखंड विधि से इसमें दो का भाग जाएगा नहीं ठीक है और इसमें तीन का भाग जाएगा क्योंकि जो संख्याएँ हैं उनका योग कितना हो रहा है पाँच दो और दो नौ हो रहा है और नौ में हम तीन का भाग दे सकते हैं इसलिए इसमें भाग दिया हमने तो तीन सात इक्कीस और तीन पाँच पंद्रह ठीक है अब इसके बाद इसमें फिर से चला जाएगा क्योंकि संख्याओं का योग कितना हो रहा है सात पाँच बारह बारह में तीन का चला जाता है इसमें दो तीन दूनी छः और पाँच पंद्रह अब पच्चीस में सिर्फ पाँच का जाएगा पाँच और पाँच में फिर पाँच का जाएगा एक बार तो इसके गुणनखंड क्या हो गए तीन तीन पाँच पाँच और अंडूड के अंदर है तो वर्गमूल लेते हैं तो हम दो दो के जोड़े बनाते हैं तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा थ्री इंटू फाइव बराबर पंद्रह यानी कि जो दो सौ पच्चीस है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा पंद्रह और जब संख्या इसकी पंद्रह हो गई तो ये हमारी संख्या कैसी होगी परमे क्योंकि पंद्रह को हम कैसे ले सकते हैं पंद्रह बटे एक और परमे संख्या की डबीजन क्या है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परमे संख्या कहलाती हैं जहाँ पर जो p और q हैं वो हमारे इंटीयर नंबर हैं यानी पूर्णांक संख्याएं हैं ठीक है थीके? तो इसलिए क्या हो जाएगा परमे संख्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री जीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन सेवन तो कल हमने जब दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने उनके शांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति के बारे में मैंने बताया था तो वहीं से हमें इसको देखना है कि ये परमे संख्या होगी या नहीं होगी तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी जो परमे संख्या है अगर उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है मतलब जो दशमलव प्रसार हम करें वो कहीं पर जाकर ख़त्म हो जाए उसका हमें अंतिम बिंदु मिल जाए देखिए जीरो पॉइंट थ्री जी सेवन नाइन सेवन है तो नाइन सेवन पर जाके ख़त्म हो गया है तो ये शांत आवृत्ति का है कैसी आवृत्ति का है ये दशमलव प्रसार जो है वो शांत आवृत्ति का है इसलिए ये संख्या कैसी होगी परमे संख्या होगी समझ में आ गया ऐसे ही क्वेश्चन नंबर चार तो क्वेश्चन नंबर चार में क्या है सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर फिर फोर सेवन एट फोर मतलब जो संख्या है उसमें रिपीट क्या हो रहा है सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है फोर सेवन एट ये संख्या रिपीट हो रही है बार बार फिर यही की यही पूरी आ रही है तो ये किस आवृत्ति का हो जाएगा अनवसानी आवृत्ति का मतलब अशांत आवृत्ति है जो लगातार ही चलती जाएगी इनफाइनाइट तक और जब इस तरीके की आवृत्ति होती है तो वो अपर में संख्या होती है ठीक है लास्ट क्वेश्चन वन पॉइंट वन जीरो वन डबल ज़ीरो वन त्रिपल जीरो वन चार जीरो वन इस तरीके से मतलब जीरो भी इसमें बढ़ती जा रही हैं तो संख्याएं भी बढ़ती जा रही हैं तो ये भी हमारी कैसी आवृत्ति है अनवसानी आवृत्ति ठीक है तो ये भी कैसी हो जाएगी अपर में संख्या हो जाएगी तो ये हमारा तो पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने परमे संख्या और अपर संख्याओं के बारे में सीखा कि परमें संख्याएं कौन सी हैं और अपर में कौन सी हैं दूसरा क्वेश्चन है ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग उसके बारे में हमें बताना है और तीन संख्या लिखनी है तो कोई सी भी तीन संख्या ले सकती हैं जिसमें हम जीरो बड़ा बड़ा के ले सकते हैं जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था वो भी अनवसानी अनावृत्ति का ये वाला पाँचवा क्वेश्चन तो इसी के हमें इसमें एग्जाम्पल लिखने हैं चूँकि हम जानते हैं कि अपर में संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वही अनावसानी अनावृति वाला होता है किसका अपर में संख्याओं का अपर में संख्या क्या है ऐसी संख्याएँ जिनको हम पी बटे क्यू के में नहीं लिख सकते ठीक है थीके? तो इनके एग्जाम्पल हैं पहला है जीरो पॉइंट जीरो चार डबल ज़ीरो फिर चार त्रिपल जीरो फिर चार चार जीरो इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा दूसरा एग्ज़ाम्पल भी ऐसे लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट फ़ाइव जीरो फ़ाइव डबल ज़ीरो फ़ाइव ट्रिपल ज़ीरो इस तरीके से तीसरा एग्ज़ाम्पल जीरो पॉइंट डबल जीरो सेवन ट्रिपल जीरो सेवन चार जीरो इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है जो लिख सकते हैं क्लियर है कोई दिक्कत है इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है क्वेश्चन नंबर थ्री निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है मतलब जो भिन्न दिए हैं उसको हमें दशमलव रूप में चेंज करना है और फिर उसके बारे में बताना है कि उसका प्रसार किस तरीके का है तो हमें भिन्न क्या क्या दिए पहली भिन्न दी है छत्तीस बटे सौ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा छत्तीस में हमें सौ का भाग देना है तो आसानी से दे सकते हो जितनी जीरो नीचे होती हैं उतनी संख्याओं के बाद ऊपर पॉइंट लग जाता है जैसे दो जीरो नीचे तो ऊपर से दो अंक गिर लो और उनके बाद पॉइंट लगा दो तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट छत्तीस और जीरो पॉइंट छत्तीस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स यानी सिक्स पर जाकर इसका जो प्रसार है वो रुक गया है और जब प्रसार रुक जाता है तो शांत आवृत्ति का होता है इसलिए कैसा हो जाएगा शांत प्रसार हो जाएगा क्लियर है इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है एक बट्टे ग्यारह मतलब एक में हमें ग्यारह का भाग देना है तो हम सिंपल भाग विधि करेंगे और एक में ग्यारह का भाग देंगे तो हमने ग्यारह का भाग देना स्टार्ट कर दिया एक में तो एक में तो जाएगा नहीं इसलिए क्या आ गया ज़ीरो फिर उसके बाद पॉइंट लगा लिया तो हमने एक जीरो और बढ़ा ली मतलब दस हो गया अब ग्यारह का दस में भी नहीं जाएगा इसलिए हमने पॉइंट के बाद एक जीरो लगा दी तो क्या हो गया जीरो पॉइंट जीरो अब ये कितने हो गए अब ये हो गई सौ अब ग्यारह का सौ में चला जाएगा कितनी बार ग्यारह निवा निन्यानवे तो हमने निन्यानवे लिख दिए यहाँ पर अब सौ में से निन्यानवे गए तो एक बचेंगे लेकिन ग्यारह का फिर एक में नहीं जाएगा ठीक है तो पॉइंट हमारा लगा है तो उसे हमने रहने दिया लेकिन दस हो गई दस में भी नहीं जा रहा है तो हमने फिर एक ज़ीरो और बढ़ा ली ठीक है अब कितना हो गया हंड्रेड अब हंड्रेड में फिर से देंगे ग्यारह का तो ग्यारह नंबर निन्यानवे तो यहाँ से हमारा एक फिर बचेगा और एक में ज़ीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगाए लेकिन फिर भी नहीं जाएगा तो फिर एक और नाइन बार ठीक है इस तरीके से हम जीरो बढ़ाते जाएंगे और देते जाएंगे तो हमारा जो प्रसार है वो इसी तरीके से बढ़ता जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रसार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है मतलब संख्याएँ हैं वो रिपीट हो रही हैं कौन कौन सी ज़ीरो पॉइंट जीरो नौ ये पूरी रिपीट हो रही है, कौन -कौन हो है बार बार तो ये अशांत पुनरावृत्ति इसका प्रसार हो जाएगा यानी अशांत है अशांत का मतलब लगातार वो चल रहा है और पुनरावृत्ति का मतलब है कि यही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं है। ठीक है क्लियर है इतना इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है वो भी हमें करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर तीन है चार सही एक बटे आठ तो पहले जो समिश्र भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इस तरीके की जो भिन्न होती है चार सही एक बटे आठ उसको हम किस तरीके से बदलते हैं पहले तो जो चार है, है और ये नीचे आठ है तो आठ का हम गुणा करते हैं चार से और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम जोड़ते हैं तो आठ का चार से किया बत्तीस और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हमने जोड़ लिया और फिर बटे में जो नीचे वाली संख्या होती है उसको लिख देते हैं तो कितनी हो गई ये तैंतीस बटे आठ तो यही उसका क्या हो गया तैतीस बटे आठ अब हमें तैंतीस में आठ का डिवाइड करना है तो इसी तरीके से हम डिवाइड करते जाएंगे इसमें तो आठ का डिवाइड इसमें करना है और इस तरीके से पॉइंट के बाद संख्या लगाते जाएंगे और फिर देखेंगे इसका प्रसार किस तरीके का है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा चार पॉइंट एक दो पाँच तो इसका जो प्रसार है वो फाइव पे जाके रुक गया है तो ये शांत आवृत्ति का हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर चार है इसी का तो इसे आप खुद से करना और इसका प्रसार मुझे बताना किस तरीके का है ठीक है क्योंकि इसमें भी जो आंसर आएगा वो ज़ीरो पॉइंट टू थ्री जीरो सेवन सिक्स नाइन टू थ्री इस तरीके से आएगा मतलब इसमें रिपीट जो हो रहा है वो टू थ्री जीरो सेवन सिक्स नाइन पूरा रिपीट हो रहा है तो ये हमारा अशांत आवृत्ति का है और पुनरावृत्ति इसकी हो रही है बार बार इसलिए अशांत पुनरावृत्ति का इसका आंसर हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं अपनी कॉपी में और इनके आंसर भी चेक करने हैं कि आंसर इनके क्या आ रहे हैं ठीक है थीके? तो इन सभी सवालों को तुम खुद करना और अगर कोई दिक्कत आए किसी सवाल को लेकर तो मुझे ज़रूर बताना जिससे मैं उसे अगले लेक्चर में कंप्लीट करा सकूं इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स है तो ये भी हमारी शानता का आएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चार इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पर पी क्यू पूर्णांक संख्या है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब जो संख्या हमें दी है उनको हमें परमे संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है यानी उन्हें हम पी वट्टे क्यू के रूप में हमें लिखना है तो दशमलव संख्याओं को परमे संख्याओं बदलना कल मैंने आपको बताया था इसके तीन मैंने एग्जाम्पल कराए थे अलग अलग और तीनों को मैंने अलग अलग तरीके से बताया था कि इस तरीके से संख्याएँ होती हैं तो उनका क्या मतलब है और अगर दूसरे तरीके की संख्या है तो उनका क्या मतलब है और उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जीरो पॉइंट थ्री इसको हमें परमें संख्या में लिखना है तो ये तो ज़्यादा सिंपल है क्योंकि जीरो पॉइंट थ्री है तो इसका पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो नीचे आ जाते हैं एक लिख के उतने ज़ीरो के आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं अगर मान लो दो संख्याएं होती तो नीचे दो ज़ीरो आ जाती जी पॉइंट के बाद तीन संख्याएं होती तो नीचे तीन संख्याएं आ जाती ठीक है ठीके? तो ये हमारा इसका पहला हो गया इसका दूसरा है ज़ीरो पॉइंट चार सेवन यानी फोर सेवन और फ़ोर सेवन पर क्या है फोर सेवन के ऊपर बार लगा है तो इस तरीके का जब मैंने सवाल कराया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जो संख्याएँ हैं और उन पर जितनी संख्याओं पर बार लगाए उतने गुना यानी अगर एक संख्या पर बार लगाए तो दस का गुणा कर दें दोनों तरफ और अगर दो संख्याओं पर बार लगाए तो सौ का गुणा करेंगे दोनों तरफ और ऐसी संख्याओं को हम मान के चलते हैं x बराबर तो हम इसमें मान लें माना कि x बराबर ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन और इसके ऊपर बार है बराबर ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन फोर सेवन है इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी ठीक है ये हम मान के चल रहे हैं इसी तरीके से हमने ये मान लिया अब दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसीलिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया हंड्रेड से गुणा कर दिया तो हंड्रेड एक्स बराबर जब जीरो पॉइंट फोर सेवन फोर सेवन इसमें हंड्रेड का गुणा करेंगे तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट खिसक जाएगा मतलब यहाँ से पॉइंट हट के यहाँ पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा सेवन फोर सेवन पॉइंट फोर सेवन फोर सेवन इस तरीके से हो जाएगा ठीक है तो देखो वही वाइज में हंड्रेड एक्स बराबर सैंतालीस पॉइंट सैंतालीस 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 ये समीकरण दो हो गया अब हमें सिंपल घटाना है बस समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाना है और हमारी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दिया तो ऊपर तो एक्स था समीकरण एक में और नीचे कितना था हंड्रेड एक्स तो सौ में से एक एक्स जाएंगे तो निन्यानवे एक्स बचेंगे इसी तरीके से सैंतालीस पॉइंट सैंतालीस सैंतालीस में से पॉइंट सैंतालीस सैंतालीस जाएंगे तो सैंतालीस बचेंगे जब आप घटाओगे तो वहाँ पर करके देखना तो यही बचेगा निन्यानवे एक्स बराबर सैंतालीस अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो निन्यानवे के इसमें भाग दे देंगे तो एक्स बराबर सैंतालीस बट्टे निन्यानवे ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक पॉइंट दो सात और दो सात पे बार है तो ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से है। इसमें भी दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों तरफ हम सौ का गुणा करेंगे और फिर उन्हें घटा देंगे तो इस सवाल को आप खुद करना और अगर कोई दिक्कत आए तो ज़रूर पूछ लेना क्वेश्चन नंबर इसका चार क्वेश्चन नंबर चार में एक पॉइंट दो तीन पाँच और उसके ऊपर बार है और इसका हमें जो बार लगाए वो थ्री फाइव पर लगाए ध्यान रखना टू बार है थ्री फाइव पर बार लगाएँ तो इसको हमें दशमलव संख्या का जो प्रसार है उसको परमे संख्या में बदलना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसको एक्स के बराबर मान के चलेंगे तो हमने इस संख्या को एक्स के बराबर मान लिया एक्स बराबर एक पॉइंट दो तीन पाँच और तीन पाँच में जो बार था वो बार लगा दिया और उसके बार को जब हम खोलेंगे तो वो हो जाएगा एक पॉइंट दो तीन पाँच तीन पाँच तीन पाँच इस तरीके से इसको हम समीकरण एक दे देंगे इसके बाद हम क्या करेंगे दोनों ओर से समीकरण एक में दोनों ओर से क्या करेंगे पहले तो जो संख्या दी है जैसे वन पॉइंट टू है तो पॉइंट के बाद जो संख्या है उसके हमें प्रसार को हटाना है तो पहले हमने दोनों तरफ किससे गुणा किया दस से और एक बार हमने किससे कर दिया एक हज़ार से क्योंकि पॉइंट के बाद जो बार है वो तीन संख्याओं के बाद है कितनी संख्याओं के बाद है बार तीन संख्याओं के बाद है इसलिए हम इसमें दो बार कर रहे हैं गुणा एक एक हज़ार एक्स का मतलब एक हज़ार का गुणा कर दिया और एक दस का तो ये हमने दो गुणा किए अब सिंपल कुछ नहीं है इनको बस घटाना है तो समीकरण तीन में से समीकरण दो को घटा दो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा देखो इसको मैं और सिंपल तरीके से बताऊं तो इसको सबसे पहले किस तरीके से करना है जो हमने समीकरण एक माना है इसमें सबसे पहले हमें x बराबर क्या है हमारी संख्या वन पॉइंट टू थ्री फाइव थ्री फाइव ये है तो थ्री फाइव का इसमें क्या हो रहा है बार बार रिपीटेशन हो रहा है और टू हमारी रिपीट नहीं हो रही है तो सबसे पहले हम टू को पॉइंट से बाहर लेके आएंगे मतलब एल की तरफ लेके आएंगे तो पॉइंट के बाद जो टू है वो सिर्फ एक डिजिट है एक संख्या है इसलिए सबसे पहले हम समीकरण एक में दस का गुणा करेंगे तो दस एक्स बराबर इसमें दस का गुणा करेंगे तो पॉइंट के बाद संख्या एग्जैक्ट जाएगी कितनी हो जाएगी बारह पॉइंट पैंतीस पैंतीस इसको समीकरण दो दे देंगे ठीक है जो इन्होंने तीन दिया है ये वाला अब अब पॉइंट के बाद संख्या कितनी रहेगी दो थ्री फाइव थ्री फाइव इसका रिपीटेशन हो रहा है अब हम क्या करेंगे जो समीकरण दो मिला है समीकरण दो इसमें हम पॉइंट के बाद दो संख्याएँ और उनका ही बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो एक संख्या होती है तो टेन का गुणा कर दें दो संख्या होती है तो हंड्रेड का तो समीकरण दो में ही हम क्या कर देंगे सौ का गुणा कर देंगे और चूँकि यहाँ पर टेन एक्स पहले से ही है सौ का गुणा करेंगे टेन में जब सौ का गुणा करेंगे तो हो बजाएँगे एक हज़ार एक्स हो जाएंगे इसलिए क्या हो गया एक हज़ार एक्स बराबर और ये बारह पॉइंट पैंतीस है सौ का उड़ान करेंगे तो बारह सौ पैंतीस पॉइंट पैंतीस पैंतीस हो जाएगा समझ में आ रहा है कुछ अब हमें घटाना है इसको किस में से जो हमें लास्ट में समीकरण मिला था उसमें से ये तो दो समीकरण था और ऊपर वाला तीन था तो तीन में से हमें दो को घटाना है तब तुम्हारा ये बचेगा नौ सौ नब्बे एक्स बराबर बारह सौ तेईस तो एक्स बराबर बारह सौ तेईस नौ सौ नब्बे ठीक है तो ये इसके सवाल हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फाइव परमे संख्या तीन और दो के बीच तीन अलग अलग अपरमेय संख्याएं संख्या याद कीजिए यानी तीन और दो के बीच में तीन अलग अलग अपरमेय संख्याएं संख्या याद करनी है तो परमे संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्या होती हैं और दो परमय संख्याओं बीच में अनंत क्या होती हैं परमय संख्या होती है तो कोई से भी दो एग्जाम्पल ले लेंगे जो अभी हमने ऊपर किए थे उनमें से ही और उनके ही हम क्या कर देंगे बता देंगे ये हमारी अपर में संख्या है तीन की बात कर रहे हैं तो तीन हमें बतानी है तो एक ले सकते हैं पाँच बटे सात ये भी क्या है अपर संख्या है क्योंकि इसका जो प्रसार है वो अशांत आवृत्ति वाला है मतलब अशांत रिपीट वाला है बार बार रिपीट होता है इसी तरीके से नौ बटे ग्यारह ये भी अशांत आवृत्ति वाला है तो इस तरीके से बता सकते हैं तो देखो यहाँ पर बहुत सारी संख्याएँ हैं हमने लिख दी हैं इन दो परमे संख्याओं के बीच में अनंत अपरमे संख्याएँ तो तीन हमने कोई भी लिख दी हैं तो इस तरीके से हम संख्या बता सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट वन के और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं सारी चीज़ें आपको दोबारा से रिपीट करा दूंगा, ठीक है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें तो आज के लिए इतना ही कल हम इससे आगे पढ़ेंगे तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें उनको बताएं, जिससे वो भी पढ़ सकें थैंक यू Gend